नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बॉलीवुड के लिए आज का दिन बेहद ही दुखद है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो आइए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के सफर के बारे में। ये भी क्या उम्र थी जाने की, ऐसे भी कोई जाता है क्या? एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने आज उनके करोड़ों फैंस के मुंह पर यही सवाल छोड़ा है। हर कोई अपने चहेते सितारे को खोने से स्तब्ध है। मुंबई से आई सिद्धार्थ की मौत की खबर पर यकीन करना हर किसी के लिए बेहद मुश्किल है, और हो भी क्यों ना। इस सितारे ने महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा जो कह दिया। अभी तो और बढ़ना था, अपने करियर को बुलंदियों पर ले जाना था, लेकिन किसे पता था कि ये सुबह सिद्धार्थ के जीवन की आखिरी सुबह होगी। और उनका चहेता कलाकार हमेशा के लिए खो जाएगा। टीवी जगत का उभरता सितारा आज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। बिग बॉस की आन बान और शान सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल के थे। फैंस के लिए सिद्धार्थ के निधन की खबर पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, जिसके बाद वो सुबह उठे ही नहीं। डॉक्टर्स की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक पड़ा था। कल रात तक सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे। ऐसे में अचानक दुनिया को अलविदा कहना बेहद शॉकिंग है। बताते चलें कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के इतिहास के सबसे पसंदीदा व्यूअर थे। शो में सिद्धार्थ ने अपने चार्म से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उनकी पर्सनालिटी और दमदार एक्टिंग के करोड़ों फैंस थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था, और इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया। सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ ने घर घर में अपनी पहचान बनाई। बिग बॉस 13 से मिली कामयाबी के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ उनका कनेक्शन सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज की कई म्यूजिक वीडियो भी आई थी, जिन्हें यूथ ने काफी पसंद किया। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। साल 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में नजर आए थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुँचा दिया। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वो नजर आए। इसी साल नकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़कर गए हैं। कपूर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल ले जाया गया, तब उनकी मौत हो चुकी थी। 40 की उम्र में इस एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति थी। 40 साल के टैलेंटेड युवा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। हर कोई इस उभरते सितारे को श्रद्धांजलि दे रहा है, और सबके जुबान पर बस एक ही बात है, यकीन करना मुश्किल है कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह से हमारे बीच से जाना बेहद ही दुखद है। प्राइम टीवी की टीम भी उनके परिवार को हिम्मत देने की बात कर रही है,
और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।